हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का लेक्चर नंबर C5 है, जहां पर हम बात कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसकी डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंडेंस। हमारा नया टॉपिक है इसी स्ट्रीम में, दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। मैंने आपको समझाया था कि मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल लेंथ है, आपको पता है ये सिलेंड्रिकल वायर है। सिलेंडर का जो एरिया ऑफ सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एल। ठीक है, मान लो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन है, तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा इसमें, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, एन ए एल। समझे सो यहां से, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन, यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन है कितने, स्मॉल एन, तो वी वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, वॉल्यूम इनटू एन, ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मतलब एन इज इक्वल टू ये हो गया हमारे पास एन ए एल। तो चार्ज कितना हो जाएगा इसमें, चार्ज क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू ई क्या है यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो एन ए एल ई। ये तो हमारे पास निकल करके आ गया कि इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो चार्ज है क्यू इज इक्वल टू एन ए एल ई है। इसका मतलब ये हुआ कि इतने इलेक्ट्रॉन्स किसमें से, इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी है यहां पर, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं अपन, एवरेज वेलोसिटी क्या है यहां पर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये तो वेलोसिटी तो होगी वीडी। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है इसका, एल, इसका मतलब कितना टाइम लेगा यहां से यहां तक आने में हमारे पास, तो टाइम टेकन इज इक्वल टू वर्क, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। ठीक है, टाइम भी हमारे पास आ गया, चार्ज भी है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालते हैं अपन, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q by T, what is Q? N A L E and divided by L by V D, L से L cancel हो जाएगा, तो electric current आ जाएगा N E A V D। Very important relation, generally इस relation के ऊपर आपके exam में questions पूछे जाते हैं। Analysis करते हैं इस formula का, देखो ध्यान से, I electric current, okay, N number of free electrons per unit volume। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड बी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इससे हमें साफ दिखता है क्योंकि एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा, ई चार्ज कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट ज्यादा होगा, या करंट ज्यादा होगी इसलिए ज्यादा होगी करंट क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी इन द कंडक्टर या ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा है। ठीक है, एक और रिलेशन फाइंड करते हैं, द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन, एक काम करते हैं, इससे पहले एक चीज में और समझाता हूं आपको। जनरली क्या होता है, जेई में सीधा सीधा फॉर्मुलेशन नहीं करते हैं अपन, तो सेकेंड अप्रोच से इस फॉर्मूले को मैं सिखाता हूं आपको। अप्रोच टू टू फाइंड द सेम फॉर्मूला, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। लेट अस सपोज ये कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इसकी लेंथ है टोटल एल। ओके, सपोज किसी समय जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस जगह पर है जहां पर उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो
वी डी है, तो वी डी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है वो इस क्रॉस सेक्शन को पार करके इधर आ रहे हैं। मान लीजिए इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डीएक्स है, और इस डीएक्स डिस्टेंस को कवर करने में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए डेल्टा टी टाइम लेते हैं, तो इसका मतलब डीएक्स विल बी व्हाट, वेलोसिटी इनटू टाइम, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, टाइम कितना लगा मान लो इसको डीटी टाइम लगा, तो डीएक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वीडी डीटी, वीडी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो ठीक है, तो हमारे पास डीएक्स तो आ गया, एरिया पोर्शन क्या है ए, तो इसका मतलब इस पोर्शन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम विल बी व्हाट ए इंटू डी एक्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर एन है तो इस क्रॉस सेक्शन को पार करने वाला जो टोटल चार्ज होगा, That charge will be given by delta Q is equal to N A dx, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है E, इसका मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया dQ is equal to N A dx into E, okay? What is dx? dx is equal to VD dt, तो dQ is equal to N A E, dx is VD dt, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि dx by dt is equal to n e a v d, और dx by dt dq by dt is equal to n e a v d, and what is dq by dt, rate of flow of charge, that is electric current, इसका मतलब यहां पर जो instantaneous current होगी क्या होगी n e a v d, तो we have two way how to find the इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और वीडियो को पॉज करके नोटेड। चलो देखो एक क्वेश्चन आया था एंस 2012 में, एंड क्वेश्चन इज गिवन कि चार्ज पासिंग थ्रू अ कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 0.3 मीटर स्क्वायर इज गिवन बाय Q is equal to 3t square plus 5t plus 2 in coulomb. What is the drift velocity at t is equal to 2 second? और हमें n, n का मतलब number of free electron per unit volume हमें दे रखा है, हमें ये question solve करना है, ठीक है। देखो मैंने बताया था आपको कि Q जो दे रखा है वो time के function में 3t square plus 5t plus 2, हमारे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर क्यू टाइम का फंक्शन हो तो इससे आराम से हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी का मतलब क्या हो गया 60 प्लस 5, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया एम्पियर में। हमें पूछा है टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पर करंट क्या हो जाएगी 6 इंटू 2 प्लस 5, 2 6 12 प्लस 5 17 एम्पियर, ओके आई हमारे पास आ गया। हम जानते हैं द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और वी डी कैन बी रिटन लाइक दिस वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, वी हैव आई ऑलरेडी, एरिया क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू अस दैट इज 0.3 मीटर स्क्वायर, ई हम जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19 कूलम, और एन नंबर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स।